पिछले कुछ समय में झारखंड में धार्मिक हिंसा कई बार देखा गया। हाल फिलहाल में ही जमशेदपुर में दो पक्षों में फायरिंग और पथराव का भी मामला सामने आया, यहाँ तक कि वहाँ पर 144 भी लगा दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि 144 बहुत ही रेयर कंडीशन में लगाया जाता है। जमशेदपुर में शनिवार रात दो पक्षों में हुए हिंसक झड़प शांत नहीं हुआ है। रविवार की शाम फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर पथराव और फायरिंग की गई, दुकान में आग लगा दी गई। घटना की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई, धारा 144 लगा दिया गया। विवाद कदमा चौक में धार्मिक झंडे में मांस का टुकड़ा बांधे जाने को लेकर शुरू हुआ था। वहां पे जो धार्मिक झंडा था भगवा कलर का, उसमें मांस का टुकड़ा बंधा हुआ पाया गया। सूत्रों के अनुसार से हमें अभी फिलहाल यही खबर मिली है कि उस जो झंडे में मांस का टुकड़ा को बांधा गया, जिसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। मिली जानकारी के अनुसार झंडा लगे स्थल पर रविवार की शाम हिंदू समुदाय के लोग बैठक कर रहे थे। इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। हिंदू समुदाय के लोग का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज की और 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। हंगामा बढ़ने के बाद 5 दुकान में आग लगा दी गई। इसके साथ ही कई बाइक और वाहनों को भी आग के हवाले किया गया। वहीं दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी किया गया। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर SSP प्रभात कुमार, CT SP के विजय शंकर समेत वर्षीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद हैं। पुलिस कर रही है अभी धरपकड़। जितने लोगों को ऊपर शक हुआ उनके साथ अभी पकड़ने का, उनको गिरफ्तार करने का काम चल रहा है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 स्थित मस्जिद के पीछे से पुलिस पर लगातार पथराव हुआ। रेप के जवान के साथ पुलिस बल बस्ती में घुसी, पत्थरबाजी कर रहे लोगों को धरपकड़ किया जा रहा है। शनिवार को हिंदू संगठन ने प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ चौक पर ही धरना दिया। घंटों ये विवाद चला। उसके बाद इधर हंगामे की बात सुनकर दूसरे पक्ष के लोग भी चौक की तरफ बढ़ने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही DSP CCR अनिमेश गुप्ता और विदुष्टपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार मौके पर पहुंचे और मामला को शांत कराया। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, आखिर ये सब क्या हुआ। शहर के कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 चौक के पास शनिवार की देर रात शाम वहां लगे धार्मिक झंडे के बांस में किसी असामाजिक तत्वों ने पॉलिथीन में मांस का टुकड़ा बांध दिया। इसी बीच राजनीतिक दल भी कहां पीछे रहने वाले थे। इसकी जानकारी होते ही भाजपा और हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे। प्रशासन की ओर से पहल नहीं होने पर सभी चौक पर बैठ नारेबाजी करने लगे। इस बीच दोनों समुदाय के लोगों में तनाव का माहौल बढ़ रहा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत कराया। विवाद के बाद किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। उसके बाद मांस की पॉलिथीन को वहां से हटा दिया गया। मौके पर पॉलिथीन हटाने को लेकर भी स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से लोगों को काफ़ी मशक्कत के बाद समझाकर शांत किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही और वादा किया लोगों से कि इसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। मामला शांत होने के बाद तमाम हिंदू संगठन के लोग ने झंडे को बदला और नया झंडा लगाया। इसके बाद मौके पर ही सड़क पर हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया, आरती की गई और झंडे को शुद्ध किया गया। हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र में प्रशासन की ओर से CCTV कैमरा लगाने का भी मांग किया गया। वहीं लोगों ने चौक का नाम बजरंग चौक करने की मांग की है। ऐसी घटना लगातार होते आ रहा है झारखंड में। हाल फिलहाल में ही साहिबगंज में भी इस प्रकार की घटना हुआ था कि जुलूस में पथराव किया गया था असामाजिक तत्वों के द्वारा, और झारखंड में लगातार इस प्रकार की घटना होती नज़र आ रही है। प्रशासन को इसमें सख्ती से कदम उठाना चाहिए और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के लोगों को सख्ती से उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी आपको अपडेट और रूबरू कराते रहेंगे इसी प्रकार के खबरों से। बने रहिए हमारे साथ JHN के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें। जय हिंद।